हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं और आप देख रहे हैं सिनेमा सागा भाईजान थालापति विजय की अपकमिंग फिल्म LEO लियो भाईजान LCU की यूनिवर्स की ये फिल्म है। और कहा तो अब तक यही जा रहा है, तो मूवी जब आएगी तब पता लगेगा भाई उस यूनिवर्स में ऐड है या नहीं है। लेकिन तकरीबन रिसोर्सेज यही कह रही है कि मूवी भाईजान उसी यूनिवर्स के अंदर होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स है, उसका नाम LCU, और उसके बाद इसका डायरेक्टर भी लोकेश खनकराज हैं। और भाईजान अब मैंने यहाँ पे हिसाब किताब लगाया है, इस फिल्म के अभी तकरीबन 30 घंटे हो चुके हैं। इसका जो ट्रेलर है उसको रिलीज हुआ है, उसके मैं लाइक्स कॉमेंट्स व्यूज़ वगैरह बताने वाला हूँ। टोटल कितने हो चुके हैं इस टाइम, हिंदी में कितने, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु सब में बताने वाला हूँ। व्यूज, कमेंट्स, लाइक्स वगैरह कि भाई क्या क्या इस फिल्म ने अभी तक रिकॉर्ड व्यूज गेन किए हैं इस टाइम आपको मैं बता देता हूँ। हाँ जी, वैसे जितने व्यूज बता रहा हूँ ये जब आपके पास वीडियो शूडियो पहुंचेगी तब तक कई मिलियंस और बढ़ चुके होंगे इसके व्यूज, क्योंकि इसके व्यूज भाईजान लगातार बढ़ रहे हैं। और जब तक मूवी रिलीज होने में लगभग 11 दिन रह चुके हैं, और 11 दिन बाद जो इसके व्यूज होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको बता देता हूँ भाई, तो भाई टोटल सबसे पहले व्यूज की बात करते हैं, तो तमिल के अंदर 36 मिलियन व्यूज हैं, जी हाँ जी। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा व्यूज इसको मिले हैं ऑल लैंग्वेजेस में वो है 8.52 मिलियन हिंदी के अंदर। और हिंदी का हालांकि ट्रेलर सबसे एंड में रिलीज किया गया था और लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। अच्छा, इनकी एक ये स्ट्रेटजी भी हो सकती थी कि तकरीबन लोग हमारे तेलुगु वाले वर्जन पे आके एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, इसलिए जरा हिंदी वाले को भी देर से इन्होंने रिलीज किया था, लेकिन फिर भी अच्छे खासे वहाँ व्यूज और लाइक्स मिले हैं। अच्छा, और तेलुगु की तरफ चलते हैं, तो तेलुगु में जो इसको व्यूज मिले हैं वो मिले हैं 5.89 मिलियन। और बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा में मिले हैं 7,67,000 व्यूज। और यहां पे टोटल अगर हम व्यूज मिला लें, टोटल व्यूज अगर मिला लें तो 51 मिलियन से प्लस व्यूज इस टाइम हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 30 घंटों के अंदर। अभी दो दिन नहीं हुए, अभी जस्ट 5-6 घंटे हो चुके हैं इस फिल्म को, मतलब कि 1 दिन और 6 घंटे हो चुके हैं, 30 घंटे में इसने 51 मिलियन व्यूज लिए हैं। और आपको कमेंट्स के बारे में बताता हूँ, लाइक बाद में बताऊंगा, पहले कमेंट्स के बारे में। अब 1,52,766 इसको कमेंट्स आए हैं, और हिंदी की बात करें तो 20,600 कमेंट्स आए हैं, और तेलुगु की बात करें तो 11,200 कमेंट्स आए हैं, और कन्नड़ा की बात करें तो 3,930 कमेंट्स आए हैं। और कमेंट्स टोटल की बात करें सारी लैंग्वेज की मिला के तो वो हैं 1,88,496 कमेंट्स आए हैं इस टाइम तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जब आपके यहाँ वीडियो पहुंचेगी तब तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। और लाइक्स की बात करें तो तमिल में है 2.72 मिलियन, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इसको लाइक्स मिले वो हिंदी में मिले हैं, वो मिले हैं 5,83,000, और तेलुगु की बात करें तो 4,56,000, और कन्नड़ा की बात करें तो 1,30,000 में मिले हैं। और टोटल की अगर बात करें तो 3.8 मिलियन इसको टोटल लाइक्स मिल चुके हैं, जो कि भाईजान बहुत बड़ा नंबर है। और बड़ी बड़ी मूवीज जैसे कि अभी लास्ट टाइम सलमान खान का जो एक टीजर आया था टाइगर का मैसेज, वैसे ट्रेलर और टीजर में फर्क होता है, लेकिन वहां पे अब तक सिर्फ 17-18 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन फर्क होता है, इसका हम कंपैरिजन कर नहीं सकते। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा था कि बॉलीवुड में इस टाइम क्या सीन चल रहा है। हाँ, वैसे एनिमल को अच्छे व्यूज आए थे, लेकिन जो इसके ट्रेलर को व्यूज आए हैं भाईजान वो रिकॉर्ड है। अब कुछ दिन रह गए, 11 दिन रह गए, क्या 11 दिन के अंदर यार इसके व्यूज कितने हो सकते हैं? क्या ये मूवी 150 या 200 पे टोटल व्यूज अगर मिलाएं तो 150 तक होगी 11 दिन के अंदर? आपको क्या लगता है जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा।